नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अम्बाला की प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा एक्शन मोड में आ गई हैं। और एक्शन में इस तरह से आई हैं कि सेक्टर 1 का कम्युनिटी सेंटर जो लंबे अरसे से खस्ता हाल पड़ा है, कंडम जर्जर हालत में है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और उसी का निरीक्षण करने शक्ति रानी शर्मा पहुँची हैं। लाइव तस्वीरें आपको अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कि शक्ति रानी शर्मा निरीक्षण करने के लिए पहुँची हैं। और देखिए किस तरह से जर्जर हालत में कम्युनिटी सेंटर है। और ये देखिए किस तरह से हॉल में कूड़ा यहाँ पर फेंका गया है, कूड़ा हॉल में पड़ा है। निरीक्षण रेहड़ियाँ जो हैं कूड़े की, वो कम्युनिटी सेंटर में खड़ी हैं, तो उसी का निरीक्षण शक्ति रानी शर्मा अम्बाला की प्रथम महिला मेयर करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जर्जर हालात में ये बेहद ज़्यादा जर्जर हालत में जो है वो ये कम्युनिटी सेंटर है, और उसी का निरीक्षण करने शक्ति रानी शर्मा पहुंची हैं। कूड़ा जब यहाँ पर पता लगा है कि शक्ति रानी शर्मा पहुंच रही हैं, तो उसके बाद ये देखें किस तरह से सफाई कर्मचारी भी सफाई में जुट गए हैं। बिल्कुल, जो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं सेक्टर 1 के हॉल के अंदर, हॉल की हालत साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि जिस समय शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर पहुँची हैं उसी से कुछ देर पहले सफाई यहाँ पर की गई है। हालत जो है वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से खस्ता हालत में ये कम्युनिटी सेंटर जो है वो आया हुआ है। कम्युनिटी सेंटर बेहद ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, और इसी का निरीक्षण करने शक्ति रानी शर्मा पहुँची हैं। तो कह सकते हैं कि अपना कार्यभार संभालने के बाद सीधे तौर पर एक्शन मोड में शक्ति रानी शर्मा आ गई हैं। और जिस तरह से बात की गई थी कि काम किया है काम करेंगे, वो अब यहाँ पर नज़र आता हुआ धरातल पर दिख रहा है। और बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं आप ये हालात देख कर के, मानो वर्षों से यहाँ पर इस तरह की कोई बेहद ज़्यादा ख़राब कंडीशन में कम्युनिटी सेंटर का ये हाल है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। और निरीक्षण झाड़ बेहद ज़्यादा ख़राब कंडीशन में जो है ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी संतुष्ट शक्ति रानी शर्मा नहीं है यहाँ की हालत देखकर। और कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी सेंटर है वो पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रहा है। देखिए किस तरह का ये कम्युनिटी सेंटर है, और आपको तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए कि किस तरह से शक्ति रानी शर्मा निरीक्षण करने पहुँची हैं। जो इक्का दुक्का कर्मचारी सरकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रही हैं, उनसे जानकारी ले रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर साफ नज़र आ रहा है कि काम को लेकर यहाँ पर जो स्थिति है कम्युनिटी सेंटर की, जो हालत है उसे देखकर बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं। शीशे टूटे हुए हैं, देखिए उन्हें भी पॉइंट आउट किया जा रहा है। स्विच टूटे हुए हैं, सामने दीवारें जो हैं वो जर्जर हालत में पहुँची हुई हैं। और ये कम्युनिटी सेंटर के बैक साइड का इलाका है, जिसका हालत देखकर कहीं ना कहीं अम्बाला की पहली महिला मेयर हैरान है। सफाई की अगर बात की जाए तो सफाई यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि सदियों से यहाँ पर सफाई नहीं की गई है। तो एक्शन मोड में नज़र आ रही हैं शक्ति रानी शर्मा आज। देख सकते हैं कि जिस तरह से बात की गई थी काम किया है काम करेंगे, और अम्बाला को साफ स्वच्छ बनाने की बात की गई थी, वो कार्रवाई अब होती हुई कहीं ना कहीं भविष्य में भी नजर आएगी। सारे चारों तरफ बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर की हालत देखकर, क्योंकि हालत जो है वो बेहद ज़्यादा ख़राब है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसी हालत जो है वो कम्युनिटी सेंटर की इसकी बनी हुई है। यहाँ
बेहद ज़्यादा खस्ता हालत में जो है पहुंचा हुआ ये कम्युनिटी सेंटर है, और उसी को देखकर बेहद ज़्यादा चिंतित और नाराज़ है शक्ति रानी शर्मा। और कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है यहाँ पर, और बातचीत कर रही हैं स्टाफ के साथ। दो ही लोग पांच लोगों के होने गए, यहाँ दावा किया जा रहा है, लेकिन मौके पर दो ही मौजूद हैं। बहुत दुख हो रहा है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है और बहुत अहम जगह पर है, इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, उसको दुरुस्त करवाएंगे। मैडम सेक्टर वन एसोसिएशन भी काफ़ी समय से कार्य कर रही है, क्या कुछ आपने संपर्क किया उनसे, कुछ ऐसा लगा आपको कि ये हालत देख के ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से सफाई नाम की कोई चीज़ किया? मैंने उनसे संपर्क नहीं किया क्योंकि मुझे कंप्लेन आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही चल के पहले देखूँ, मैं कुछ भी चीज़ होती उसको पहले खुद वेरीफाई करती हूँ फिर आगे चलती हूँ। मैंने कहा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, इसलिए मैं देखने आई तो ये परिस्थिति है और इसको हम सुधारेंगे। मैम इसको देखने के बाद क्या भविष्य में इसका सुधार किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, प्राइम लोकेशन की एक जगह है, बहुत लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता है, इतने बड़े बड़े हॉल हैं इसके अंदर, इसका सदुपयोग हो सकता है और अच्छी तरह से करेंगे, दुरुस्त करेंगे। तो क्या आगे जो सदन की मीटिंग होगी उसमें कम्युनिटी सेंटर को लेकर कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा? बिल्कुल, उनकी देख रेख के लिए और उनके रख रखाव के लिए ज़रूर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रस्ताव पास करेंगे, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये लोगों की सुविधा